कराची में एक ही दिन कोरोना के 3,500 केसेज रिपोर्ट। बच्चों की बड़ी तादाद भी मुतासर। एनसीओ से इजलास में तालीमी इदारे 3 दिन खोलने की तजवीज। सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर पाबंदी लगा दी। बच्चों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न जाने का मशवरा। वालदैन रश वाले मकामात पर ले जाने से गुरेज करें। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की अपील। क्लासेस में मास्क पहनने पर जोर। कोरोना हैबत बदलकर मोहलिक हो सकता है, तिब्बी माहरीन को खदशा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत से जलसों, धरनों और इज्तमा पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ इलाकों में छापे। तारिक रोड पर सुपर मार्ट सील। 20,000 रूपये जुर्माना आयद। गुलशन चरंगी पर वैक्सीनेशन कार्ड की चेकिंग। जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का, उस पर भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। बट द पॉइंट इज कि सारी जमातों ने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना। तहरीके अदम एतमाद का इम्कान, मिलकर काम करने पर जोर। 1 मार्च हो या फिर 10, अवाम को हुकूमत से निजात दिलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन जमातों के दोबारा इत्तेहाद का इशारा दे दिया। IMF के साथ सरेनो मुहादे पर जोर। सदारती इमरजेंसी महंगाई से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। जमातें भी ये बात कर रही हैं कि शायद इमरान साहब सदारती इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक आईन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारा तारीख गवाह है कि जब सदारती निजाम ना जबरदस्ती नाफिज की जाता है तो हमारा तारीख में वो टूट चुके हैं। इसका असरात यहां तक पहुंचा है। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिस किस्म की इनकी कारकर्दगी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम पर रहम खाना चाहिए। जी महीना मैम, 2 महीने कुछ ला दें क्या? महीनों का इंतजार है, हफ्तों का इंतजार है या सहमाई का इंतजार? मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। हुक्मरान चंद दिनों के मेहमान। सरकार को हटाने का तरीकाकार भी जल्द सामने आ जाएगा। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। सहाफी ने नवाज शरीफ की वापसी का सवाल पूछ लिया। आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं? मियां साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करे। बल्दियाती इदारों के लिए टैक्स कलेक्शन, एक्साइज एंड टैक्सेशन मुलाजमीन करेंगे। सिंध काबीना ने सिविल सर्वेंट से तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। रेंजर्स के अख्तियारात में 90 रोज की तौसी। खाद्य सराओं का मुलाजमतों में 0.5% कोटा मुख्तस। सैयद गनी ने कराची में जराइम बढ़ने का एतराफ कर लिया। हुकूमती कमेटी पर टाल मटोल का इल्जाम। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के मुजाकरात में तातुल। 20 जनवरी को हसन स्क्वायर पर धरना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। गरीब पर एक बार फिर बोझ डालने का प्लान। हुकूमत ने IMF की शर्त पर बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली। 95 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज। कराची के 5 इलाकों में पुलिस मुकाबले। नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार, मलीर, लांडी और भैंस कॉलोनी में लुटेरों से फायरिंग का तबादला। 4 मुजरिमान हलाक, 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फरंगी जमान टाउन में कचरा उठाने वाली चीनी कंपनी के मुलाजमीन पर हमले। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वर्कर्स को कत्ल की धमकियां दी जाने का भी इंकशाफ। फरंगी टाउन गुलशन एजिया में मोटरसाइकिल चोरी के वारदात। 2 मुसल्ह मुजरिमान घर के बाहर खड़ी बाइक ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज के KP1 न्यूज पर। फरंगी टाउन में कब्रिस्तान की जमीन से कब्जा खत्म। KMC इंसदादे तजावजात सेल की कार्रवाइयों में तेजी। ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। सिब्बी के करीब दहशतगर्दी। धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। 5 मुसाफिर जख्मी। ट्रैक की बहाली में 12 घंटे लगने का इम्कान।
معاشرتی سچائیوں کو افسانوں کے قلب میں ڈھالنے والے سعادت حسن کی 67ویں برس منٹو کی تحریروں کا اثر آج بھی برقرار ہے۔ سرفراز احمد قومی ٹیم میں واپسی کے لیے پر امید، سابق کپتان کہتے ہیں شاہد آفریدی کوٹا گلیڈیٹرز کو چیمپئن بنوائیں گے، بوم بوم بولے وہ اب آخری پی ایس ایل کھیلیں گے۔ آل پاکستان انٹر بورڈ گرلز والی بال چیمپئن شپ بھاولپور نے مردان کو شکست دے کر فائنل جیت لیا، فاتح کھلاڑیوں میں انعامات کی تقسیم۔ You stopped Eddie Francesca. You stopped Prince Simmons. Don't let me worry about that. اور خطرناک ہتھیاروں کی تیاری روکنے کا مشن ایکشن فلم آپریشن فارچون کا ٹریلر جاری کر دیا گیا،